हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा और आज का वीडियो होने वाला है ये इजी पीजी सा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। अगर आप इस लुक को थोड़ा टोन डाउन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली न्यूड लिप्स भी कैरी कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये आई मेकअप बहुत ही सिंपल है। बहुत ही कम समय में मैंने इसे क्रिएट किया है, सिर्फ 2-3 आई शेडोज यूज किए हैं और इसके साथ आप रेड लिप्स भी कैरी कर सकते हैं। बट टुडे आई एम फीलिंग काइंड ऑफ पिंक बोल्ड लिप्स, इसलिए मैंने नायका का अल्ट्रा मैट लिपस्टिक अप्लाई किया है। बहुत ही वर्सेटाइल लुक है, आप इसे इजीली घर पर क्रिएट कर सकते हैं। आजकल वेडिंग सीजन ऑन है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं कर पाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, मैंने अपना क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग रूटीन कर लिया है। मैं इस लुक को डे टाइम पर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, इवनिंग फंक्शन के लिए क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप इसे डे टाइम पर क्रिएट करें तो सनस्क्रीन लोशन जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी स्मैश बॉक्स के फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर से। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, आपके पोर्स को बहुत ही अच्छे से स्मूद आउट और ब्लर कर देता है। इसे मैं अपने टी जोन एरिया पर लगाऊंगी। अपने अंडर आई एरिया और डार्क स्पॉट्स को कंसील करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ नायका का करेक्ट एंड कंसील पैलेट इन द शेड लाइट, और इस पैलेट में से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। इस कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं डैम्प ब्यूटी स्पंज का यूज कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राइंग है। फॉर फाउंडेशन टुडे आई एम यूजिंग मेबलिन सुपरस्टे 24 आवर फाउंडेशन इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी। ये फाउंडेशन मेरी स्किन पर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होती है, इसलिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ मेरा पैक का HD फाउंडेशन इन द शेड 1.2। और अब मैं इसे भी ब्लेंड कर लूंगी। This foundation is matte and this is pretty much full coverage. तो अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड लाइट।
फेस को सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन का फिट मी पाउडर इन द शेड लाइट। और ये कंसीलर बहुत ही जल्दी क्रीज होता है इसलिए मैं इसे क्विकली सेट कर लूंगी। Now you can see कि my face looks very flat, तो इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए थोड़ा वार्म देने के लिए मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज करूंगी। ब्रॉन्जर मैं यूज करने वाली हूँ बेनिफिट का हूला ब्रॉन्जर। And for blush, I am using Milani Baked Blush in the shade 01 Dulce Pink. Next, अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ Wet n Wild का सेटिंग स्प्रे। और अब मैं जल्दी से अपना आई मेकअप भी कंप्लीट कर लूंगी। आई शेडो पैलेट जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है मॉर्फी का 35F पैलेट। सबसे पहले अपने ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ये लाइट पीच कलर ले रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ मॉर्फी का ब्रश M433। एज यू कैन सी कि ये कलर मेरे स्किन कलर से बिल्कुल मैच करता है इसलिए ज्यादा शो अप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मैं ये डार्क वाला कलर ले रही हूँ। इस कलर की इंटेंसिटी को मैं थोड़ा बढ़ा रही हूँ और इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर भी ब्लेंड करूंगी। अब नेक्स्ट मैं फोकल योर की सनराइज पैलेट यूज कर रही हूँ और उसमें से मैं ये पिंकिश मॉक कलर यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने दो कलर का ब्रश यूज किया है, ये एक फ्लैट ब्रश है। इस कलर को मैं अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स में ब्लेंड करूंगी। और इसे थोड़ा सा अपनी क्रीज में भी लेके जाऊंगी। अब इन दोनों कलर्स को ब्लेंड करने के लिए मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करूंगी। सेम कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन में भी ब्लेंड करूंगी। इसे मैं पूरा अपनी लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हाफ वे थ्रू लेकर जा रही हूँ। नेक्स्ट मैं पैलेट में से ये शिमरी न्यूट्रल कलर ले रही हूँ और इसे अपने लिड एरिया पर लगाऊंगी। अगर आप इस लुक में थोड़ा सा ऊम फैक्टर चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लिड कलर के ऊपर आप ग्लिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल पार्टी लुक देगा और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ये लुक। If you want, आप इस लुक के साथ विंग लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज स्मज लाइनर क्रिएट करने वाली हूँ। मैं यूज करूंगी मेबलिन का जेल आई लाइनर और इसे मैं एक एंगुलर ब्रश पर ले रही हूँ।
और अब इसे स्मच करने के लिए मैं पेंसिल ब्रश का यूज कर रही हूँ और इस पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लिया है। अपनी वाटर लाइन पर मैं वेट एंड वाइल्ड का आई पेंसिल यूज कर रही हूँ इन द शेड कॉलिंग योर बफ। इससे मेरी आईज ओपन अप दिखेंगी। आप चाहें तो काजल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अपने लैशेस को कर्ल करूंगी और मस्कारा लगाऊंगी। एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन सेंसेशनल मस्कारा। एंड फॉर माई ब्राउज आई एम यूजिंग बेनिफिट का ब्राउ इन द शेड 6। अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं मॉर्फी की 35F पैलेट में से ये वाला कलर ले रही हूँ। If you want, आप इस लुक को एज इट इज भी कैरी कर सकते हैं, बट आज मैं फॉल्सेस भी अप्लाई करूंगी। गाइस लैशेस आर ऑन। ये मैंने रैंडम ब्रांड का ही यूज किया है, अमेजोन से परचेज किया था। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग नाइका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक। फॉर माई हाईलाइट आई एम यूजिंग बेका शैम्पेन पॉप, जो कि मेरा टूट गया था बट अभी तक मैंने इसे फिक्स नहीं किया है। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। आई हैव वोर्न माई ड्रेस, माई ज्वेलरी, बिंदी। आई होप ये लुक आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।